हेलो दोस्तों दोस्तों आज आपको सिखाएंगे अंगूर और टमाटर की चटनी बनाने का रेसिपी। जी दोस्तों, आज कोई हेल्थ और अर्निंग के बारे में वीडियो नहीं ले आया हूँ, सिर्फ आपको एक रेसिपी बताने वाला हूँ जो वेस्ट बंगाल पे ये रेसिपी बहुत चल रहा है, आम घरों में भी चलता है ये, तो मैं वहाँ से सीख के आया हूँ, तो आपको भी सिखाने वाला हूँ ये कैसे बनाया जाता है। तो आपको दो टमाटर ले लेना है जो इस तरह से काट लेना है। तो आपको कुछ एक जो है कि 200 ग्राम के करीब अंगूर ले आना, जो हरा अंगूर हो, खट्टा में आएगा हरा अंगूर जो है कि आपको ले आना है मार्केट से। उसके बाद आपको सामान क्या क्या चाहिए, जैसे कि यहाँ देख सकते हो अदरक मिल जाएगा आपको, इस तरह से स्लाइड कर लेना है। हरा धनिया देख सकते हो चॉप करके रखा हुआ है। उसके बाद गार्लिक जो आपको, लहसुन में कुछ इस तरह से इतना सा दाना ले लेना आपको, कम से कम 25 से 30 दाना जो है कि, और दो हरी मिर्च आपको चाहिए। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं कैसे बनाना है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ आ चुके हैं गैस के तरफ से, तो गैस जो है कि ओपन कर लिया हूँ। तो गैस में आपको एक तेल डालना, सरसों तेल, जब कोई भी आप तेल जो भी इस्तेमाल करते हो तो आपको इतना से तेल डाल लेना, ठीक है दोस्तों, जो आप इसको अदगर और लहसुन को भून सके और हरी मिर्च को। तो आपको अदगर डाल देना है, तो मैं इसमें तेल गर्म होने तक वेट कर लेता हूँ। तो तेल गर्म हो चुका है यहाँ, तो इस अदगर को आपको इस तरह से डाल लेना है। तो आपको सब अदगर जो है इसमें रखा हुआ है टोटल डाल लेना है। उसके बाद जो हरी मिर्च रखा हुआ है, हरी मिर्च भी आपको इस तरह से डाल लेना है, जो आप इस तरह से कटिंग करते हो, जो आप जैसे ही कटिंग करते हो आपको कट करके डाल लेना है। तो इसको थोड़ा हम भून लेंगे, उसके बाद जो है कि आपको दिखाएंगे क्या क्या इसमें और डालना है। तो दोस्तों हम इसको अच्छी से भून लिया हूँ, तो आपको इसमें ऐड करना है काली जो जीरा होता है, काला जीरा जो आपको मार्केट से मिल जाए काला जीरा के, तो इस तरह से होता है जो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ काला जीरा, आपको ये वाला डाल देना है इसमें, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो आप जो ये कड़वा हो सकता है, तो आपको थोड़ा ही मात्रा में डालना है। आप सौंठ भी डाल सकते हैं, कोई कोई सौंठ भी डालता है, तो सौंठ भी डालने से भी बड़ा टेस्ट मिलता है। तो मेरे पास अभी फिलहाल सौंठ नहीं है जो कि मैं नहीं डाल रहा हूँ, तो आप सौंठ डाल के भी इसको बना सकते हो। उसके बाद आपको जो है कि ये थोड़ा भून जाए, तो आपको जो है कि गार्लिक डाल लेना, जो आपको लहसुन जो बोला हूँ, तो वो डालने के बाद इसको काफ़ी देर चलाते रहना है, ठीक है दोस्तों। ये जब अच्छी से गार्लिक से सुनहरे रंग तक हो जाता है, तब तक मैं इसको चलाते रहूँगा, फिर आपको जो है कि ऐड करना कौन कौन सा चीज़ वो हम बताएंगे। तो दोस्तों लहसुन को मैं काफ़ी तल लिया हूँ, तो ये सुनहरा काफ़ी हो गया है। तो मैं इसमें अब अंगूर जो है आपका जो है कि रखा हुआ है धो के, इसको फ्रेश करके रखा हुआ है, तो इसको सब जो है कि अंगूर आपको 200 ग्राम डाल देना है इसमें। तो कुछ इस तरह से होगा दोस्तों, तो अंगूर डालते ही आप जो है कि इसको चलाना शुरू कर दे, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये चलाते रहना है, टमाटर अभी नहीं डालना है, इसको काफ़ी देर चलाने के बाद आपको डालना है, 1 से 2 मिनट इसको चला लेना है। पकाने के बाद जो है कि आपको टमाटर ऐड करना है, फिर क्या क्या सामान ऐड करना है वो हम आपको आखिरी तक बताते रहेंगे, तो वीडियो फॉलो करते रहना दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे इसी तरह से अर्निंग हेल्थ और रेसिपी के बारे में वीडियो चाहिए तो बाय बाय दोस्तों, अभी कहेंगे नहीं, आपको आखिर तक जो है कि इस वीडियो को देखते रहना है, तभी आपको जो है कि समझ आ जाएगा कैसे काफ़ी जो है कि सुनहरे कलर का हो चुका है ये अंगूर जो डाला हुआ है। तो इसको आपको इसी तरह से चलाने के बाद जो है कि इस तरह से सुनहरा हो जाएगा, तो आपको ये जो टमाटर है, टमाटर आपको ऐड कर देना है। तो इसको ऐड करने के बाद आपको इसी तरह से चलाते रहना है जब तक ये थोड़ा पकना जाए, इसको भी 1 से 2 मिनट आपको जो है कि पका लेना है। तो मैं थोड़ा इसमें गैस तेज कर देता हूँ, पहले गैस कम किया हुआ था, तो इसको मैं चला लेता हूँ 1 से 2 मिनट, फिर आपको जो है कि इसमें पहले आप नमक भी डाल सकते हो, टमाटर डालने के बाद जो है कि आप नमक को ऐड कर सकते हो। तो मैं इसमें थोड़ा नमक डाल देता हूँ, फिर आपको जो है कि बता देता हूँ कैसे करना है। तो दोस्तों नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो, तो मैं इतना सा इसमें नमक लग जाएगा, तो मैं इतना सा इसमें डाल देता हूँ नमक। तो इसको आपको चला लेना है, तो मैं इसको चला देता हूँ, ये थोड़ा पक जाएगा, फिर इसमें आपको शक्कर वगैरह ऐड करना होता है। फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हो जैसे कि टमाटर यहाँ पक चुका है, टमाटर गल चुका है, तो इसमें आपको जो है कि शक्कर ऐड करना, शक्कर आपको जो है कि ले लेना 5 से 6 चम्मच, जो है कि आपको 2 टमाटर और 200 ग्राम जो है कि अंगूर में डालना होता है। तो मैं यहाँ 5 चम्मच जो है कि शक्कर डाल देता हूँ बड़े चम्मच के। दोस्तों यहाँ मैं 5 चम्मच जो शक्कर डाल चुका हूँ, तो अपने मिठास के अंदर जो आपको नमक मिठास जो भी चाहिए आप स्वाद चख के भी अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो 5 चम्मच ऐसे काफ़ी होता है, अगर और डालना चाहते हो, आपको ज़्यादा मीठा शौकीन है तो आप मीठा और डाल सकते हो। तो मैं इसको मिला लेता हूँ, तो इस तरह से आपको मिला लेना है। तो इसको पकने देना अच्छी से, पकने के बाद जो है कि आपको ये ऐड कर लेना है हरे धनिया। तो हरे धनिया मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, तो देख सकते हो हरे धनिया मैं ऐड कर चुका हूँ। तो कुछ इस तरह से कलर आपको जो है कि खिलता हुआ दिखेगा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसी, तो जो कि खाने का टेस्ट तो एकदम छोड़ दे, सुभान अल्लाह जिसे कहा था। तो दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनता है, इसको इस तरह से बनाया जैसे आम की चटनी आप चखे होंगे, तो इसी तरह से जो है कि आपको आम की चटनी जैसा स्वाद देगा।
और इतनी टेस्टी जो कि आप वेस्ट बंगाल वाले चीज़ें बनाता है, तो वेस्ट बंगाल के तारीफ करना होगा कि कहाँ कहाँ से ऐसे ऐसे चीज़ जो है कि ढूंढ के लाता है जो कि स्वाद बढ़ाने का। तो ये चटनी आपको तैयार होने में ज़्यादा से ज़्यादा चीनी वगैरह डालने के बाद जो कि 5 मिनट, इसको आपको इसमें पानी पुनी कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये अंगूर और टमाटर काफ़ी पानी छोड़ता है, तो इसको आपको पूरा सुखाना है। किस तरह से सुखाना होगा हम बता देंगे। तो इसको 5 से 10 मिनट गैस तेज करके इसको चला देते हैं। उसके बाद इस तरह से हो जाएगा, जैसे कि यहाँ देखते हो तो काफ़ी ये टाइट तरह हो गया, संघना हो गया है। तो इस तरह से बन के हो जाएगा, तब आपको जो है कि उतार लेना है इसको। तो यहाँ देखते हो तो काफ़ी इसका रंग खिल चुका है। आपको कुछ कलर वगैरह इसमें हल्दी वगैरह कुछ ऐड करने का जरूरत नहीं है। आपको जो जो सामान बताया हूँ, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, आप वहाँ से भी नोट करके जो है कि इसको बना सकते हो। और दोस्तों ज़्यादा पेटीएम अन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, पेटीएम अन का वीडियो आते रहता है। तो मैं पहला वीडियो ला रहा हूँ रेसिपी के बारे में, अगर आपको अच्छा लगा हो थोड़ा भी तो जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाना, क्योंकि आगे भी इसी तरह से जो है कि रेसिपी के बारे में वीडियो लाते रहूँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बन चुका है, तो मैं इसको गैस ऑफ कर लेता हूँ। तो गैस ऑफ करने के बाद इसको देखिए, आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको परोसना है। तो दोस्तों परोसने के बाद जो है कि आपको कुछ इस तरह से इसका कलर दिखेगा, जो बहुत ही अच्छा कलर दिख रहा है। तो आपको एक बार लाइट में दिखा दे, तो यहाँ देख सकते हो इसका कलर जो है कि आपको पता चलेगा बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इसको आप डेकोरेट भी कर सकते हो आप कुछ सामान इसमें ऐड करके। तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो रेसिपी के बारे में, कुछ गलत भी कहा होंगे उस तरह से जो है कि बाकी यूट्यूबर्स कहता है उस तरह से नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये पहला वीडियो इसलिए नहीं कह रहा। आगे आपका जो है कि धीरे धीरे सीख लूँगा, जो आपको अच्छी से अच्छी जो है जानकारी बढ़िया से दे पाऊँगा। तो आपको ये थोड़ा डेकोरेट करके दिखाता हूँ देसी स्टाइल में। दोस्तों आप पहली बार इसी तरह से चटनी बनाते हो तो कुछ इस तरह से जो है कि आप हरे धनिया वगैरह लगा के इस तरह से जो आप डेकोरेट कर सकते हो, जो आपका फैमिली के मेंबर को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर जरूर जो दोस्तों जो है कि लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, आपके दिन शुभ रहे और इसी तरह से मज़ेदार मज़ेदार खाना पका के खाते रहे। तो बाय बाय।